सावनेर निवासी आकाश तेज सिंह सावजी को कल 24 अप्रैल को उनके मोबाइल नंबर पर MH40AZ7209 पर उनकी बुलेट मोटरसाइकिल का ऑनलाइन चालान प्राप्त हुआ। ये चालान उनके दोपहिया वाहन का था। इस चालान के साथ दोपहिया वाहन की तस्वीरें भी आई। इस फोटो में जो मोटरसाइकिल नजर आ रही है वो होंडा कंपनी की है तथा इस मोटरसाइकिल पर एक युवक नजर आ रहा है। इस पर जो नंबर प्लेट है वह आकाश की बुलेट का नंबर है। इस फोटो से यह साबित हो रहा है कि उक्त वाहन को चलाने वाला युवक अनाधिकृत नंबर प्लेट लगाकर शहर में घूम रहा है या यह दुपहिया चोरी का हो सकता है अथवा राज्य सड़क परिवहन विभाग ही ऐसे डबल नंबर दे रहा है। यह खोज का विषय है तथा नागपुर यातायात पुलिस को इस वाहन का पता लगाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। नागपुर यातायात पुलिस कार्यालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि RTO से ही कई लोगों को एक ही नंबर दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण RTO कार्यालय में दलालों का बढ़ता हस्तक्षेप। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की हो। कुछ दिन पहले भी इसी तरह का चालान शहर के सब बोकड़े को आया था। उनकी सफेद रंग की एक्टिवा क्रमांक MH40AY5990 चालान थी, जबकि ये एक्टिवा खरीदने के बाद वह कभी नागपुर नहीं गए। इससे पता चलता है कि शहर में कई दुपहिया वाहन तथा कारें ऐसी डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाकर चल रही है। ट्रैफिक पुलिस को इसका पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि असली वाहन मालिकों को परेशानी ना हो। एक हमारे साथ में है आकाश साहु जी, जो युवा व्यवसायी है, उनके पास में एक बुलेट गाड़ी है जिसका क्रमांक है MH40AJ7209। इसके ऊपर में इन्हें एक चालान आया है, इस चालान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं दुकान पर बैठा हुआ था और मुझे ऑनलाइन मैसेज आया, तब मैं ओपन करके देखा तो चालान आई। चालान देखकर मैं घबराया तो उसमें पाया कि ये नागपुर में विदाउट हेलमेट कोई होंडा गाड़ी चला रहा है और सेम नंबर प्लेट पे चला है। तो एक तो ये घबराहट हुई कि एक तो चालान है, अमाउंट भी ज़्यादा रहता है आजकल, और फिर जब उसका पता किया तो सेम नंबर प्लेट पर आदमी गाड़ी चला रहा है और ये गलत है। इससे कुछ भी अगर कल को वो व्यक्ति अगर कुछ दुर्घटना या कुछ गैर चीज करता है, गैर कानूनी चीज, तो उसका परिणाम हम जैसे आम आदमी वगैरह को भी भुगतना पड़ सकता है। ये सरासर वो जो गाड़ी मालक के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसके पहले भी सावनेर में इसकी पहले भी घटना हो चुकी है। ऐसे ऐसे लोगों को मानसिक तकलीफ होती है, अपने काम धाम छोड़ के उनकी RTO की चक्कर काटना पड़ता है, जिनका कुछ संबंध न रहते हुए भी। ऐसे में RTO एक की जगह एक ही नंबर के दो नंबर कैसे इशू करते हैं, ये भी जाँच का विषय है। मैं तो बोलता हूँ RTO के ऊपर तो कार्रवाई होने को ना होती। आप जो RTO ने जो नंबर इशू की है उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई होने को ना। NBC News के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।